बधाई, आपको मैडनेस मचाएंगे। थैंक यू भाई, थैंक यू। ये जो वर्ड है उसके बारे में आपको जब सबसे पहले पता चला कि इस तरह का शो बनने वाला इंडिया में, अक्सर डिफरेंट डिफरेंट शोज बनते हैं जी, बट इस तरह का शो पहली बार मैं अपने लाइफ में देखने वाला हूँ, मैडनेस मचाएगी। दो अलग वर्ड है, दो अलग सेंटेंस है, आप क्या करने वाले हो इसमें, कितनी आपकी तरफ से मैडनेस होगी और आपकी तरफ से कितना मचाएगी? भाई ऐसा है कि शो की जो शुरुआत है वो मैडनेस मचाएंगे तो नाम अभी आया है, और जब हम लोग के पास शो आया था तब कोई नाम नहीं था, फिर मैं इकट्ठा हुआ, मेरे साथ जो बाकी परफॉर्मर्स हैं इस शो में वो इकट्ठे हुए, और फिर हुमा आई, और फिर हमने गेस्ट लिस्ट डिसाइड करी कि अच्छा इनको बुलाएंगे, उनको बुलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो फिर हमारे डायरेक्टर साहब ने जब ये जो पागलपन था, ये जो मैडनेस थी ये देखी, तो उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस शो का नाम रखेंगे मैडनेस मचाएंगे। उससे पहले तो हम कुछ ऐसे सोच रहे थे कि कॉमेडी कर देंगे, ये कर देंगे, वैसा कर देंगे, बट जो हमारा आपस का एक पागलपन था वो देख के उन्होंने कहा यार ये लोग तो मैडनेस कर रहे हैं थोड़ी आपस में, तो वहाँ से ये शो निकल के आया। और हमें एज अ होस्ट हमेशा से उन्होंने बोला था कि आप इस शो को ड्राइव करोगे, इस शो को रन करोगे, और रन करने का मतलब है फिर सब कुछ हम को करना है यार, हम तो सभी कुछ कर रहे हैं इसमें, हम स्टैंड अप कॉमेडी भी कर रहे हैं इसमें, हम होस्ट भी कर लेंगे, गेस्ट से भी बात कर रहे हैं, उसके बाद हम रोस्ट भी कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, हो सकता है कभी आगे मन किया तो किसी स्किट में किसी स्केच में भी नज़र आ जाएंगे आपको। तो प्रॉपर एक स्टैंड अप कॉमेडी का पूरा फ्रेम है जिसके अंदर जितने भी जॉनर्स होते हैं कॉमेडी के, जितने भी आर्ट फॉर्म्स की जो लेयर्स होती हैं वो सारी इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। तो जितने भी लोग घर में बैठे हैं अलग अलग माइंड सेट के भी बैठे हैं, जिनको अलग अलग चीज़ें पसंद है कॉमेडी की, वो इकट्ठे बैठ के देख सकते हैं। यहाँ पे मेरा कंपटीशन इसलिए नहीं था कोई, बिकॉज मैं लाइव स्टेज करता हूँ, और हमारे साथ जितने भी मोस्टली लोग आए हैं वो टीवी के लोग हैं, मैं पहली बार टीवी कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो लोग हैं वो टीवी कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो मेरे कंपटीशन से कोई मतलब ही नहीं था, बिकॉज मैं 4 साल से एवरीडे लाइव शो रोज़ करता हूँ, तो मैं मंडे टू संडे में कोई छुट्टी नहीं ली मैंने 3-4 साल में, और मैं एवरीडे एवरी सिटी में कहीं ना कहीं जाके शो करता रहा हूँ। तो आई थिंक मेरे लिए पहली बार है, ये लोग तो पुराने हैं इनमें से कुछ लोग, और उनको टीवी का एक्सपीरियंस है, तो होपफुली वो एक्सपीरियंस काम आएगा, और हम नए नए टीवी पे आ रहे हैं पहली बार, एक दो बार टीवी पे आए हैं बट एज अ गेस्ट आ गए किसी शो में, या एज एन एपिसोड आ गए किसी शो में हमने किया है, बट पूरा का पूरा शो मिल जाना और फिर उसको चलाना वो एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मतलब भगवान ने चाहा तो बढ़िया करके जाएंगे यहाँ से, और एक नया फॉर्मेट टीवी को दे जाएंगे। ऐसा है कि जो चीज़ टीवी पे आ रही है आजकल वो कहीं ना कहीं आपको सोशल मीडिया पे भी दिख जाती है, ठीक है? तो क्या है कि सोशल मीडिया पे बहुत ही बेहतरीन कोई चीज़ आपको नज़र आती है ना, तो आप उस छोटी सी क्लिप का पीछा करते हो कि इसका पूरा फॉर्मेट कहाँ है, इसका पूरा शो कहाँ है। तो हमारे शोज़ में ऐसे कई मोमेंट्स होंगे जो हमारे सोशल मीडिया में नज़र आएंगे, या हमारे चैनल के थ्रू नज़र आएंगे, या हमारे प्रमोशंस में नज़र आएंगे, या हमारे पेज पे नज़र आएंगे जो इतने फॉलोअर्स हैं उन पे, तो उनके थ्रू भी हम लोग ऑडियंस हमारी वापस आएगी कि यार ये चीज़ बहुत प्यारी लग रही है, 90 सेकंड की, 2 मिनट की, 4 मिनट की, इसका पूरा एपिसोड कहाँ पे है। तो आई थिंक वहाँ से यही हमारा प्लान है कि हम वहाँ से ऑडियंस भी खींचेंगे, कुछ टीवी की सोनी की जो इतनी वास्ट ऑडियंस का जो ग्रुप है वो तो देखेगा ही देखेगा, तो आई थिंक मिला जुला के बहुत सारी ऑडियंस हो जाएगी और शो इट हो जाएगा। अरे विक्की सर मान जाए तो मैं तो रेडी। वीडियोस देखे हैं, मिले भी हैं आपस में, तो मैं तो तैयार हूँ रोल के लिए। जैसे ये पहली बार एक नया चैलेंज आया मेरे लिए तो मैंने फटाफट एक्सेप्ट कर लिया, बिकॉज अंदर से तो मैं टीवी करना ही चाहता था। तो ऐसे अगर मेरे सामने कोई आके बोले कि क्या तुम पिक्चर करना चाहते हो, तो मैं कहूँगा अगर आप कह रहे हो तो कर लेता हूँ, लेकिन मन तो मेरा ही है। तो मैं सब करना चाहता हूँ, जो जो रोल्स अच्छे लगेंगे, जो जो रोल्स ऐसा लगेगा कि यार मेरी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा और निखार देंगे, मेरे ह्यूमर को थोड़ा और बेटर कर देंगे, वो वाले टीवी शोज़, वो वाले, बिकॉज इससे मुझे कुछ तो पता लगेगा मेरे बारे में कि मैं क्या कर सकता हूँ, इस शो से भी पता लग जाएगा मुझे।
तो ये है कि हाँ यार मुझे पता लगेगा मैं टीवी का फॉर्मेट किस लेवल पे कर सकता हूँ, मैं साल साल से अलग फॉर्मेट कर रहा हूँ, मैं कितना ढुक सकता हूँ इस रोल में, इस एंकर वाले रोल में कितना मैं सेटल हो सकता हूँ, मुझे इस शो के बाद पता लगेगा, तो फिर उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे और क्या। मन में कभी ऐसा आया कि एक रियलिटी शो कर लेते, क्योंकि बहुत सारे ऐसा होता है स्टैंड अप कॉमेडियन रियलिटी शोज भी जीत जाते हैं, अच्छी बात है। दो बार जीत जाते हैं, उसका आप रीज़न ये है, देखो। उसका रीज़न ये है कि स्टैंड अप कॉमेडियंस की जब जो वो जो हिट होते हैं स्टैंड अप कॉमेडियंस, वो क्यों हिट होते हैं, क्योंकि वो अपनी एक रियल पर्सनैलिटी लेके स्टेज पे चलते हैं। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं घर पे ऐसा हूँ, और या मैं बोल रहा हूँ मैं कॉलेज में ऐसा हूँ, या मैं बोल रहा हूँ या मेरे मोहल्ले में मैं ऐसा था, तो क्या है कि जो रियल पर्सनैलिटी लेके चढ़ते हैं ना स्टेज पे, तो उससे ऑडियंस कनेक्ट करती है, उसमें कोई फेकनेस तो नज़र नहीं आती आपको, तो आप कहते हो यार ये तो मेरा बंदा है। फिर वही पर्सनैलिटी लेके आप किसी रियलिटी शो में जाते हो, तो जब आप अपनी रियल सेल्फ लेके एक ड्राइव करते हो अपनी लाइफ को ना, तो आप आसपास आपको ये रहता है कि यार यही मैं तो यही हूँ ना, मैं तो असली यही हूँ। तो इसीलिए रियलिटी शोज इतने जीत रहे हैं, जो भी कॉमेडियंस हैं, मुनावर जीता है जैसे, तो वो इसीलिए जीता है, हमारे साथ इतनी ऑडियंस है, इवन फैक्ट बस्सी के साथ इतनी ऑडियंस कैसे जुड़ी हुई है, क्योंकि उसने रियल टाइम स्टोरीज सुनाई है लाइफ की, कि यार ये सबके साथ होता है और मैंने सिर्फ सुना दी, और मैं कॉमिक हूँ, तो वो एक एक किसी। हाँ जी यार, गुरु तो अभी ऐसे कुछ मिले ही नहीं हम लोग को यार, गुरु बस ये है कि देख देख के सीखते रहे। गुरु तो वो होता है जो आपको ट्रेन करता है, जो आपको सिखाता है कॉमेडी क्या होती है। मेरे हिसाब से कॉमेडी एक बहुत ही नेचुरल आर्ट फॉर्म है, कि अगर आपके पास है, जैसे सिंगिंग है, सिंगिंग में आप रियाज करते हो तो आपकी आवाज़ बेहतर हो जाती है, ऐसे कॉमेडी में ये है कि यार आपके अंदर एक नेचुरल फ्लेयर होगा तभी आप लिख पाओगे, आपका एक ह्यूमर सेंस होगा तभी आप जोक चुटकुला लिख पाओगे, आपके अंदर एक ऑब्जर्वेशन पावर होगी तभी आप ऑब्जर्व करके उसको फनी बना सकते हो। कभी कभी रियल लाइफ सिचुएशन जो फनी नहीं होती, उनको एक एंगल देके आप फनी बना सकते हो। तो इसमें गुरु का मेनली यही होता है कि यार आपने किसी को देख के इंस्पायर हो गया कि अच्छा मैं भी ट्राई करता हूँ, तो वो आपका गुरु ही है फिर। बट मेरे को उसके अलावा लगता है कि ये एक बहुत ही नेचुरल आर्ट फॉर्म है जो आपके अंदर से आता है, अगर आप वो कर पाते हो तो आप एक कॉमेडियन हो। हर्ष, एक आखिरी सवाल जी मेरी भाई। तरफ से। वेडिंग का सीजन बहुत हिट गया हाँ, आपका, 7 मिलियन हो गए भाई वेडिंग का सीजन, बहुत यार हिट क्या गया। बात 2 महीने हो कर गए उसके बाद आपने एक भी रहे अपलोड नहीं किए यूट्यूब पे। हाँ नेक्स्ट क्या आने वाला है, किस चीज की तैयारी है? हाँ एक्चुअली हमारे साथ इस बात में एक बात ये हो गई कि हमारा ये टीवी का शूट शुरू हो रहा था, तो हमने एक वीडियो रिकॉर्ड करी थी, हमें लगा था अभी 4 मार्च को इंजीनियर्स डे है, हमें पता नहीं किसने बोल दिया, तो हमने कहा इंजीनियर्स पे हमारे पास एक स्टैंड अप सेट है, तो हम वो शूट करके रिकॉर्ड करके डाल देंगे। हमने वो रिकॉर्ड करा ली, और फिर हमने इंजीनियर्स डे सर्च किया गूगल पे, तो वो 15 सितंबर को था, तो हम पे धोखा हो गया है। बट आप लोग की किस्मत और हमारी भी होपफुली किस्मत अच्छी रहेगी उस वीडियो के साथ, कि हम वीडियो वो रिलीज़ करने जा रहे हैं, 4 मार्च के आसपास कर देंगे, तो यूट्यूब पे हमारे आप जाइएगा और हर जगह आ जाएगी, हमारे इंस्टाग्राम पे सब जगह आपको लाइफ ऑफ एन इंजीनियर पता लगेगा हम लोग ने क्या क्या सहा है। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू थैंक यू भाई, ऑल द बेस्ट थैंक फॉर यू द भाइयों, थैंक यू सो मच, शुक्रिया आप लोग का, थैंक यू आने के लिए।